जीवन में ऐसा है कि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब आपको डिसीजन लेना होता है कि मेरे लिए क्या चीज़ सही रहेगी और क्या चीज़ गलत रहेगी। सुबह सुबह उठाऊँ, मेरे दोस्त का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे नाम के धमकी भरे मैसेज हमारे यूट्यूब पेज पे भी आने लगे कि भैया इनका चैनल तो हम बंद करवा के रहेंगे। वो सब तो ठीक है, जो भी होगा सो होगा, लेकिन क्या होता है जब हम बचपन में बड़े हो रहे होते हैं तो अक्सर हमारे हमको रस्तों पर कई सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, कुछ भी हो, जिनको कि लेने की एक उम्मीद हमारे दिल में रहती है कि नहीं यार ये जब भी हम पैसा कमाएंगे तब ये चीज़ जरूर लेंगे। तो ऐसी एक हसरत मेरी भी थी, दो हसरत थी। पहली हसरत तो घर वालों ने पूरी करा दी, मेरी बाइक मुझको दिलवा के। दूसरी हसरत है मेरी गाड़ी मुझको लेने की, बड़ी गाड़ी। लेकिन समस्या ये है कि जो गाड़ी मुझे पसंद है वो गाड़ी आना हो चुकी है बंद। लेकिन बात क्या है ना कि दिल ये ज़िद्दी है, तो इसीलिए जो गाड़ी बंद हो चुकी है अब डिसीजन लिया है कि उसी गाड़ी को सेकेंड हैंड मार्केट में ढूंढना है और उसी गाड़ी को खरीदना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेकेंड हैंड मार्केट में जब भी गाड़ी खरीदने के लिए कोई जाता है तो उसको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, आप लोगों को कैसे ही पता होगा। देखिए, जब भी आप लोग सेकेंड हैंड मार्केट में गाड़ी की डील करने जाते हैं ना, तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप पता ही नहीं कर सकते गाड़ी चली कितनी है, और उसके साथ भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपसे छुपाई जाती हैं। तो वहाँ पर डील करना एक बहुत ही मतलब एक इतना बड़ा चैलेंज हो जाता है ना कि वहाँ से आपने अगर सही गाड़ी निकाल ली सही कीमत पर तो वाकई बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आप लोग खुद भी देखेंगे जब भी सेकेंड मार्केट से हम लोग डील करने के लिए जाते हैं तो हमारे घर के जो भी एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि यार सेकेंड मार्केट में क्यों जा रहे हैं। बाय द वे अभी सुबह के 6 बज रहे हैं यार, अलग ही मज़ा आता है इस टाइम बाहर बैठे। खैर, अब मेरे साथ अगर बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो सेकेंड मार्केट में मुझे देखते हुए कम से कम इस समय हो चुके हैं हफ्ता भर। और देखिए मेरे साथ क्या फंडा है ना कि मैं टाइम ज़्यादा दिन तक वेस्ट कर नहीं पाता हूँ, तो हफ्ते भर से मैं धनाधन गाड़ियाँ देख रहा हूँ। और गाड़ियाँ देखते हुए मुझे एक गाड़ी काफ़ी पसंद आ गई, जो कि अगर आज की डेट में मैं नई लेने जाता हूँ तो वो मेरे बजट के बहुत ज़्यादा बाहर है। बजट के बाहर कहूँ तो सीधी बात है औकात के बाहर है, तो इसीलिए उस गाड़ी को नया मैं देख नहीं सकता हूँ। प्लस जो दूसरी गाड़ी पसंद आ रही है वो गाड़ी जो है वो आज की डेट में आना डिसकंटिन्यू हो चुकी है। हालाँकि 6 महीने 1 साल ही हुआ है उसका आना बंद हुए, लेकिन बंद हो चुकी है। सेकेंड हैंड मार्केट में उसकी काफ़ी अच्छी वैल्यू है। लेकिन एक बहुत ही डार्क सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको सेकेंड हैंड मार्केट की। सेकेंड हैंड मार्केट में क्या होता है कि जब आप कोई गाड़ी देखने जाते हैं ना तो आपको गाड़ी एकदम पॉलिश्ड मिलती है, ऐसी लगती है मतलब नई से थोड़ी ही ख़राब है ये गाड़ी। क्या होता है, ऑटो डीलर्स अगर किसी गाड़ी को 2 लाख में बेचना चाहते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो उस गाड़ी को 1.5 लाख में ख़रीदें। 10 से 15 हज़ार का वो उसमें काम कराते हैं, डेंटिंग पेंटिंग पॉलिश वॉलिश सब कुछ उस पर कराते हैं, और उसके बाद वो लोग उस गाड़ी को 30 से 40 हज़ार के फ़ायदे में बेचते हैं। और अगर वो इतना ना भी करें तो फिर आप बताइए ना, तो वो धंधा करने बैठा हुआ इंसान तो उसको तो इतना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि जब आपके और मेरे जैसे लोग जो कि मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और हमको एक गाड़ी चाहिए क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि हम नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कई बार ऐसे में हमारे साथ हो जाता है धोखा। अब एग्जांपल मैं सिंपल से बताता हूँ, एक गाड़ी थी डीजल गाड़ी जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई, चलाने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार ये गाड़ी वर्थ हो सकती है। तो अब मेरे साथ एक प्लस पॉइंट क्या था ना कि मैं महिंद्रा की गाड़ी देख रहा था। अब महिंद्रा की गाड़ी जब मैं देख रहा था तो हमारे एक दोस्त हैं, उनके पहचान के एक भाई साहब हैं जो कि महिंद्रा के शोरूम में ही काम करते हैं, तो हम जो भी महिंद्रा की गाड़ी देखते थे हम उसका नंबर उनको भेज देते थे, तो वो हमको आउट ऑफ जेस्चर उस गाड़ी की डिटेल्स पूरी निकाल के दे देते थे, क्योंकि अगर गाड़ी का काम कंपनी में हुआ रहता तो कंपनी में उसकी पूरी डिटेल रहती। मैं आपको सिर्फ 2 गाड़ियों का एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि गाड़ी तो हर एक ऐसी ही निकली थी, लेकिन 2 गाड़ियाँ जिन्हें सबसे ज़्यादा दिल दुखाया था उनका एग्जाम्पल दूंगा। एक ऑटो डीलर के पास हम लोग गए, उससे हमने पूछा कि भैया ये गाड़ी कितने की है, कैसी की पड़ेगी। उसने हमको एक रेट बताया और कहा कि भैया ये 55,000 किलोमीटर चली गई। मैंने ठीक है, 50,000 55,000 60,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी सुन के दिमाग को लगता है ये तो चली ही नहीं। ये एक साइकोलॉजी बनाने का तरीका होता है ऑटो डीलर्स का। तो इनने क्या किया भाई साहब, हमको भी यही लगा 55-60 हज़ार। फिर हमने भैया को फ़ोन किया, हमारे मित्र के भैया हैं वो गाड़ियों का ही काम करते हैं, तो उनने मुझको बोला कि नमन 50 से 70 हज़ार की रीडिंग रहती है वो ऑलमोस्ट 90% फेक रहती है, तो तू देख लेना। मैंने कहा ठीक है भैया। अपन ने भी वही जो अपने महिंद्रा वाले भैया हैं उनसे अपन ने नंबर भेज के गाड़ी डिटेल निकाला, और यकीन नहीं मानोगे जिस गाड़ी की रीडिंग मुझको 55,000 बताई जा रही थी उस गाड़ी की रीडिंग पता है ओरिजिनल कितनी थी, जो लास्ट किलोमीटर पे जो उसकी सर्विसिंग हुई थी वो थी 2,91,000, 2,90,000, मतलब 3 लाख से मात्र 10,000 का। पहला ही हो गया। दूसरा, एक और गाड़ी काफ़ी पसंद आई, नई ही थी, 2017-18 मॉडल की थी, लग रहा था कि नहीं ये गाड़ी अपना काम कर जाएगी, मतलब हम लोग बात बात करके आ गए, पूरा मन बन गया नहीं यार ये गाड़ी अगर अपनी रीडिंग में सही आ जाती तो इसको अपन फाइनल कर देंगे, सपने संजो लिए थे वही, क्या बताऊँ। अगली सुबह उन्हीं भैया से फिर से डिटेल निकलवाई कि भैया इस गाड़ी की डिटेल और देख के बता दो। तो पहली जवाब जो उन्होंने दिया ना वो सुन के दिल खुश हो गया। उन्होंने कहा हाँ नमन, वो जो ऑटो डीलर ने
67,000 की रीडिंग बताई है, वो बिल्कुल उसने एक्चुअल बताई है, बिल्कुल सही रीडिंग है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन लेकिन उसने कहा कि भैया ये गाड़ी गलती से ही मत ले लेना। मैंने कहा क्यों भैया, ये गाड़ी तो एकदम टिंच रखी है, मज़ा आ गया देख। बोलता है ना, देख के मज़ा आ गया, सिर्फ इसीलिए डाउट कर लेना। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी का 3 बार एक्सीडेंट हुआ था, वो भी मेजर। वो बोल रहे थे सामने से गाड़ी पूरी ठुकी हुई है, रेडिएटर कंडेंसर सब बदला है इसका, एक बार ऐसे एक्सीडेंट हुआ है कि चक्की बदला है, साइड से भी ठुकी हुई है। 3 बार हालांकि काम कंपनी में ही हुआ है, लेकिन एक्सीडेंटल गाड़ी एक्सीडेंटल होती है, आपको समझना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे संघर्ष थे जो कि मैं गाड़ी खरीदते टाइम कर रहा था, और गाड़ी खरीदने की अभी भी मैं कोशिश में ही हूँ कि मैं गाड़ी खरीद लूँ अगर मुझे कोई ढंग की मिल जाए तो, क्योंकि शौक़ पूरे करने हैं। शौक़ पूरे करने हैं तो महंगी गाड़ी जो है मैं फर्स्ट हैंड खरीद नहीं सकता हूँ, मुझे सेकेंड हैंड मार्केट में ही देखनी पड़ेगी। अब इस कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मुझको कोई डायरेक्ट ओनर मिल जाए, क्योंकि डायरेक्ट ओनर जो रहते हैं वो कम से कम इतना झूठ तो नहीं बोलते। हाँ, गाड़ी सामने ज़रूर दिखा देते हैं, जो है जैसी है ये सामने है, अगर आपको लेनी है तो अच्छी बात है, नहीं लेनी तो कोई बुरी बात नहीं। तो बस वही सब चीज़ें चल रही हैं इस समय। इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि यार देखिए, ऑटो डील का मार्केट जो है ना सेकेंड हैंड गाड़ियों का, वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है सेकेंड हैंड गाड़ियों का। स्पेशली जो नए रूल्स आते जा रहे हैं, जैसे दिल्ली में पेट्रोल गाड़ियों की वैलिडिटी 10 साल, डीजल गाड़ियों की वैलिडिटी 10 साल हो चुकी है, और नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, लोगों के शौक बदल रहे हैं, तो लोग नई नई गाड़ी जल्दी खरीदना चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है ना कि सेकेंड हैंड गाड़ियों का जो मार्केट है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि आपके शहर में भी, आपके आसपास भी नए नए सेकेंड हैंड गाड़ियों के मार्केट खुलते जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, हम लोग गाड़ी कई बार दूसरे शहर की खरीद लेते हैं सोच करके, नहीं यार गाड़ी तो बढ़िया है, क्या ही जा रहा है। ट्रांसफ़र फ़ीस ही पता कर लीजिए, क्योंकि एक गाड़ी मैंने पता करी थी, उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस ही 50,000 रुपये थी। तो ऐसी चीज़ें भी हैं, तो कई सारे छिपे हुए खर्चे भी होते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको पता कर लेनी चाहिए अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट से गाड़ी ले रहे हो। और सेकेंड हैंड मार्केट से गाड़ी लेना कोई बुरा सौदा नहीं है, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मतलब मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ तो आप डिस्करेज हो जाएँ, या जो ऑटो डीलर्स हैं हमारे वो लोग बुरा मान जाएँ। ऑटो डीलर्स को अगर बुरा लग रहा है तो सिर्फ आप इस बात को समझिए कि आप दर्शकों के साथ, ग्राहकों के साथ धोखा ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं, रीडिंग वाली और गाड़ी से डिटेल वाली। अच्छा, और जब मैं इन डीलर्स को बताता था ना कि भैया आपने मेरे को इतनी रीडिंग बताई थी, रीडिंग तो इतनी निकली, या आपने तो बोला था एक्सीडेंटल नहीं है गाड़ी, तो इतनी ठुकी निकली, ऐसा रिएक्ट करते थे भाई, ऐसा रिएक्ट करते थे, मतलब कि हैं हमें तो पता ही नहीं था ऐसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे यार किसे बना रहे हो यार, आप लोग धंधा कर रहे हो बैठ के, आपके गाड़ी की किलोमीटर रीडिंग नहीं देखोगे, आपकी ये नहीं चेक करोगे गाड़ी ठुकी नहीं ठुकी है, भाई सब चेक होता है, सिर्फ बनाने के तरीके होते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि जो हमारा ग्राहक है उसका इतना अप्रोच नहीं है कि ये बंदा कहीं से डिटेल निकलवा सकता है। अब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे दोस्त का पहचान वाला बंदा निकला है, तो उसे डिटेल निकलवा दी, नहीं तो आप तो जानते ही हो मतलब कि आज की डेट में क्या कंडीशन हो जाती है, नहीं भी जानते हो तो क्या कर सकोगे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि भाई सोचना ज़रूर पड़ता है कि किस तरीके से आखिर हम लोग इनको लेकर चलें, गाड़ियों को लेकर हम लोग डिसीजन लें, क्योंकि डिसीजन अगर नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये सारी चीज़ें ना स्पॉइल गेम कर देती है। क्योंकि गाड़ी यार एक सपने की तरह होती है लोगों के लिए भारत में आज भी, मतलब आज भी लोग चाहते हैं कि हम अगर कोई गाड़ी खरीदें तो गाड़ी मतलब बहुत अच्छी निकले, बेहतरीन निकले। आप मौसम देखो कितना सही हो रहा है, उसके बाद सुबह की ठंडी ठंडी हवा, ऊपर भगवा झंडे लहरा रहे हैं, आपको पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, वो छत के ऊपर देखिए अलग ही मज़ा आता है। मैंने भी लगाया था 2-3 बार उड़ गया, फिर वो अच्छा ही लगता, बार बार गिरता है। तो ये कुछ गाड़ी का सिनेरियो रहता है सेकेंड हैंड मार्केट में। मैं जानता हूँ आज के डेट में कई लोग गाड़ियाँ देखते हैं, कई लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप भी कोई सेकेंड हैंड गाड़ी देख रहे हैं तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखें। मतलब ये मैं आपको बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ चीज़ें, मैं कोई सीख नहीं रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये भी होता है बारिश में, आप क्या होता है ये देखो, यहाँ जल भर गया है, अब इससे होगा कुछ नहीं, पानी भर गया है छत पे, तो इससे होगा ये कि पानी छत में बैठेगा, सीधे जाएगा। चालू हो गया। तो हम कहाँ पे थे, गाड़ी पे थे। तो गाड़ी लेने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मेरा मतलब बस यही है कि या तो किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी इंसान से लें, डीलर से लें, जो कि आपको पता है गाड़ी की एक्चुअल चीज़ बताएगा। और देखिए, वो लोग भी धंधा करने बैठे हैं, तो अगर वो एक्चुअल चीज़ नहीं भी बता रहे हैं तो कम से कम इतना तो करें कि पार्शियली ही एक्चुअल चीज़ बता दें। नहीं तो क्या होता है ना, कई बार यार मतलब इतनी घटिया चीज़ दिखा दी जाती है ना कि मतलब आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि चीज़ क्या है क्या नहीं, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हम लोग मेहनत का पैसा अपना खर्च कर रहे हैं, काफ़ी सारी बातें रहती हैं, तो ऐसे में कई बार ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअल चीज़ अगर आपको पता चल जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
तो भाई फिलहाल मेरे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये मेरा दूसरा चैनल है जिसके के ऊपर हम ऐसी ही कॉमन बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि डे टू डे लाइफ के बारे में बातें कर सकें। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।